नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज जिसमें हम फेमस पर्सनालिटीज के बारे में चर्चा करते हैं, उस सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए रुकमा बाई राउत के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत की पहली महिला ट्रेन फिजिशियन बनी थी और एक फेमिनिस्ट थी। इनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी गई थी। 11 साल की उम्र में इनकी शादी दादाजी भिखाजी के साथ कर दी थी, जो उस समय 19 साल के थे। 1985 में जब इनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, तो इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने एक पेटिशन फाइल की कोर्ट में, क्योंकि 12 सालों तक ये अपने घर पे ही रही थी और इनके जो हस्बैंड थे वो इनके साथ इनके घर पे घर जमाई बन के रहे थे, और जो इनके पिता थे वो इनको पढ़ाना चाहते थे होते, तो इन्होंने इसको अपने पढ़ाई पे फोकस रखने के लिए बोला। तो इसके जो हस्बैंड थे दादाजी भीखाजी, उन्होंने एक पेटिशन फाइल की 1885 में इनकी शादी के 12 साल बाद कि ये अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट जजमेंट आई 4 मार्च 1887 को, 2 साल बाद। और इनको जो फाइनल जजमेंट आई थी उसके अनुसार इनको या तो 6 साल के 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत बहादुरी से इस जजमेंट का सामना किया और उन्होंने कहा कि ये अपने हस्बैंड के साथ रहने के बजाय 6 महीने जेल में रहना पसंद करेंगी। हालांकि बाद में इन्होंने जो क्वीन विक्टोरिया थी ब्रिटेन की, उनके पास अपना एपिक एप्लीकेशन की, जिसके बाद उन्होंने इस जो जजमेंट थी इसको ओवर रूल करते हुए इनकी शादी को डिसॉल्व कर दिया। जो आगे चलकर जो ये केस था, आगे चलकर जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में, उसके लिए एक ड्राफ्ट के रूप में ये यूज हुआ, कोर्ट जो ये जो कोर्ट केस हुआ था। इसके अलावा इन्होंने रुकम बाई राउत ने काफी लेखक भी थी, तो काफी अच्छी अच्छी किताबें लिखती थी, लेकिन सूडो नेम से लिखती थी। ये अपना कोई नेम उजागर नहीं करती थी, ये नेम यूज करती थी ये हिंदू लेडी। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया इन्होंने राजकोट में 35 साल तक, रिटायर जब तक ना हो गई ये बॉम्बे में। इसके बाद ये 25 सितंबर 1955 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रुकम बाई है जो पहली महिला फिजिशियन बनी थी भारत की, लेकिन आनंदी गोपाल थी जो उन्होंने डिग्री पहले प्राप्त की थी इनसे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की मेडिसिन में, क्योंकि उनकी एक लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो हालांकि डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी मेडिसिन की, लेकिन जो प्रैक्टिस जो की वो रुकुम बाई ने की थी, इसलिए फर्स्ट लेडी प्रैक्टिस मेडिसिन के रूप में रुकुम बाई को जाना जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।